Hi friends, today we will learn class 5th Hindi book Rimjhim chapter 2 Faslon Ka Tyohar, question answers and bag exercise. Let's start. Mausam ka andaaz. First, khichdi mein aisan jada hum pahile kabo na dekhni. Yahan tum khichdi se क्या मतलब निकाल रही हो? हमने खिचड़ी में ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी. तुम इस खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? उत्तर, यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्यौहार. इस खिचड़ी से मतलब एक मकर संक्रांति नामक त्यौहार से है. सेकेंड, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज है जो सन है, सूरज मीन्स सन, सूरज है जो बिल्कुल ही ना निकले? और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर, अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी. अगर सूरज नहीं निकला तो चारों ओर अंधेरा हो जाएगा और ठंड भी ज़्यादा हो जाएगी. सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी. जो सूरज से हमें गर्मी मिलती है और एनर्जी मिलती है वो नहीं मिलेगी. पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे, प्लांट्स और ट्रीज मुरझाने लगेंगे. बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जो हम बाहर देख रहे थे तो समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? जिन लोगों के पास घड़ी नहीं होती वो समय का अंदाज़ कैसे लगाते हैं? अनुमान मीन्स अंदाज़. उत्तर, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था. बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो सन है वो नहीं निकला था. जिसके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अंदाज़ा सूरज की गति और उसकी चमक से लगाते हैं. जिनके पास घड़ी नहीं होती वो ना सूरज की चमक होती है और उसकी गति होती है, उसकी गर्मी होती है, उससे लगाते हैं. तुम्हारी जुबान, आज ई लोग के उठेंगे ना ही का. आज मैं लिख देती हूँ आंसर, क्या मैं बताई देती, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? जा भाग के देख केरा के पत्ते आइल की ना. आइल की ना, जाओ दौड़ कर देख क्या हो केले का पत्ता आया कि नहीं. इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो. मैंने आपको हिंदी में बता दिया है. भारत तेरे रंग अनेक. विविधता हमारे देश की पहचान है. विविधता ना हमारे देश की पहचान है भारत की. फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है. फसलों के ये जो त्यौहार है जैसे पोंगल, सरहुल, मकर संक्रांति, ये विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है. विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं. हमें विविधता के कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं. पांच बच्चों के समूह से एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें.
हम 5-5 बच्चों का ना एक क्लस्टर बनाएंगे, समूह बनाएंगे। क्लस्टर मीन्स समूह। और उनसे ये जो नीचे उदाहरण दिए गए हैं उन पर जानकारी इकट्ठी करेंगे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पूर्वक सामग्री के रूप में हो सकती है। ये जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पूर्वक सामग्री के रूप, इन सभी चीज़ों के रूप में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। हर समूह जैसे 5-5 के हमारी क्लास, जैसे 10 क्लस्टर बने हैं, 10 समूह बने हैं, तो बच्चा जानकारी प्रस्तुत करना है कक्षा में, क्लास में, कक्षा क्लास। इनके बारे में आपको कुछ उदाहरण देना है, जैसे भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। पहले हम भाषा के बारे में देख लेते हैं। भाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में मतलब वो टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, हिंदी, पंजाबी, नेपाली, तमिल इत्यादि। जैसे कि गुजराती बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, तमिल एक्सेट्रा, और बहुत बोली जाती हैं। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है क्योंकि यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है क्योंकि यहाँ पे ना ये जो लोग बोलते हैं ये ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं, हिंदी बोलते हैं। यह हमारी राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। कपड़े, हर प्रांत के परिजनों में मुख्य अतिथि साड़ी, सूट, लहंगा ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। हर प्रांत के अलग अलग कपड़े होते हैं। अब ये साड़ी, सूट और लहंगा स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, स्त्रियां वुमन द्वारा पहना जाता है। पुरुषों द्वारा धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है। पुरुष ज़्यादातर धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, और भी बहुत कुछ यही पहना जाता है पुरुषों द्वारा। नया वर्ष, हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है। यह भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब ये जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें नया वर्ष होली के दिन से शुरू होता है। ये भिन्न भिन्न देशों में मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भोजन, भोजन अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। जैसे यहाँ बहुत राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग भोजन मिलते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये जो मक्के की रोटी होती है और सरसों का साग होता है, वो ज़्यादातर पंजाब में खाया जाता है। डोसा, इडली, सांभर, ये दक्षिणी भारत में खाया जाता है, साउथ इंडिया में। खाखरा और थेपला गुजरात में। दमालू और रोगन जोश कश्मीर में। दाल भाटी और चूरमा राजस्थान में। लोक कला,
लोक कला, प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। यहाँ अलग अलग देशों की, मतलब अलग अलग शहरों की अलग अलग लोक कला होती है, वो वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी लोक कला बिहार की है, चित्तौड़ दक्षिणी भारत, तंजावर तमिलनाडु की है। लोक संगीत, अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है। जैसे अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, ऐसे ही लोक संगीत भी अलग अलग होता है। भारत के लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या कहाँ रहती है? तुम्हें सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या कहाँ रहती है? उत्तर, होली का त्यौहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। मुझे होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन ऊपर नीचे का विचार सब भुला देते हैं और एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहती हूँ, तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकती हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाती हूँ और नए कपड़े पहनती हूँ। इस दिन ना मैं सुबह से ही बहुत सक्रिय रहती हूँ क्योंकि इस दिन मैं तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरती हूँ और लोगों पर फेंकती हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाती हूँ जैसे गुजिया, और नए कपड़े पहनती हूँ। अब अन्न के बारे में, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। आपको पता है ये जो फसलों के त्यौहार होते हैं इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है और इनसे क्या क्या चीज़ें और बनाई जा सकती है। उत्तर, तिल से तिलकुट बनता है, रेवड़ियाँ बनती हैं और गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनती हैं। ये तीन मिठाइयाँ तिल से बनती हैं। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है? क्या आपको पता है कि तिल से तेल बनता है? हाँ, उससे तेल बनता है। और किन किन चीज़ों से तेल बनता है? और तिल के अलावा किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे बनता है? हो सके तो तिल की दुकान पर जाकर पूछो। अगर आपसे हो सकता है तो आप तिल की दुकान पर जाके पूछो। उत्तर, तिल के अलावा सरसों का तेल, राई का तेल, सोयाबीन से बनता है, सूरजमुखी, मूंगफली, नारियल, बादाम, आंवला आदि से तेल बनता है। इनके अलावा और भी बहुत चीज़ों से तेल बनता है। आंवला से बनता है, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, बादाम, इन चीज़ों से। खास पकवान गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। गया ये जो शहर है वो तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं, हमारे इंडिया में कई ऐसी छोटी बड़ी बहुत जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है, अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। ये जो आपके परिवार के लोग हैं जैसे मम्मी पापा, उनसे पता करो और इनके बारे में बताओ। उत्तर, हमारे देश में मथुरा के पेड़े के लिए, आगरा के पेठे के लिए और हरियाणा के घेवर के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे देश में मथुरा के पेड़े के लिए, आगरा के पेठे के लिए और हरियाणा के किसके लिए, घेवर के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
पिछले 2 वर्षों से तुमने काम वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं के बारे में जाना। तुमने पिछले 2 साल से, अब जैसे आप 5th में हैं तो इसके 2 साल पहले 2nd में आपने इनके बारे में जाना था। इन शब्दों को क्या कहते हैं, ये जो शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं? व्हाट, क्योंकि क्रिया का शब्द कोई काम करने से होता है, क्योंकि ये जो क्रिया शब्द है वो किसी काम का काम करने से होता है, जिसको इंग्लिश में क्रिया को वर्ब कहते हैं। वर्ब उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करें। यहाँ आपकी बुक में एक टेबल है, उसको पूरा करना, वो एक्टिविटी आपके लिए। क्रिया काम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे ये गलती से लिखा गया, जैसे खेलना, छोपना, पीसना, पकाना, परोसना, धोना, बुनना आदि, ये शब्द क्रिया हैं। यहाँ पे ठ नहीं है, ये गलती से लिखा गया। ये शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया है। If you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe it. Bye, friends.